फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेशन नंबर 7। यहां तक हम सेशन नंबर 6 तक बात कर चुके हैं बर्ड पावर मेटेरियल, जो कि बुक हमारी चल रही है और जिसके राइटर है नॉर्मन लुइस। और हमने सेशन 6 तक अबाउट द डॉक्टर्स के बारे में बात की है। अभी भी हम डॉक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग चीजों के, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और हमने यहाँ तक बात कर ली है सेशन नंबर 6 तक। तो आज हमने जो सेशन नंबर 7 में बात करनी है वो ये है, जो हमने 8 से 10 रूट बुक पार्ट्स लिखे हुए यहाँ पर, इसमें रूट वर्ड वही लगेंगे जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं, पिछले क्लासों में पढ़े हुए हैं। तो हम उन्हीं की सहायता से कुछ रूट वर्ड्स, ज्यादा से कुछ वर्ड्स को बनाएंगे। देखो, जब सब मैंने पहला वर्ड लिखा हुआ साइकोलॉजिस्ट, PSYCHOLOGIST, साइकोलॉजिस्ट। साइक हमने पढ़ा है, साइक मीन्स होता है माइंड, लॉजी एंड स्टडी, IST पर्सन को डिनोट करता है, जो कि एक नाउन है। अ पर्सन हु स्टडीज द ह्यूमन माइंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन माइंड्स की स्टडी करता है उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइको एनालिस्ट, साइक वही सेम हो गया माइंड, एनालिस्ट, एनालिस्ट का मतलब होता है LIST, फिर से वही आ गया, वाई को हटाकर IST लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन हो गया जो माइंड को एनालाइज करता है, एनालाइज करता है कैसे, अ पर्सन हु स्टडीज द अनकॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब मानव के अचेतन मन के बारे में स्टडी करता है। आप सभी जानते हैं कि मन दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस माइंड एंड सबका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सीधे आपके माइंड में जा रहा है, इसको कॉन्शियस माइंड में जा रहा है। और यदि ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रहेगी तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी सीधा कहना, और ओडोंटोज अपन जानते हैं टीच से रिलेटेड होता है, IST पर्सन। अ पर्सन हु स्टडीज या अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू स्ट्रेटन द टीथ, जो टीथ यानी हमारे दांतों को सीधा करने का कार्य करता है उसको, जो मतलब एक प्रकार डेंटिस्ट ही बोल सकते हैं, डेंटिस्ट मतलब दांतों से रिलेटेड, ऑर्थोडोंटिस्ट मींस मतलब जो दांतों को सीधा करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्ट यानी हम जानते हैं, ऑप्ट यानी विजन, मेट्रॉन यानी मेजर करना, IST पर्सन, अ पर्सन हु मेजर विजन, आई विजन को मापता है उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ऑस्टियोपाथ, पाथ यानी हम क्या जानते हैं, पाथ नहीं पैथोज, हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था पैथोज, पैथोज यानी होता है किसी भी चीज की इलनेस। ऑस्टियो, ऑस्टियो रिलेटेड होती है बोन से, जो कि ऑस्टियोपाथ यानी जो हड्डियों से रिलेटेड यानी बोन्स एंड ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बीमारियां होती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोपाथ, ठीक है। और कायरोप्रैक्टर, जहां पर भी आपको OR लग जाए तो एक डिनोट करता है एक पर्सन को, ठीक है, पर्सन आपको कायरोप्रैक्टर हो हुआ दिख जाए। कायरो यानी अपन जानते हैं क्या, एक जॉइंट्स, जॉइंट्स या फुट भी बोल सकते हैं, कायरोप्रैक्टर होता है जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जॉइंट्स होते हैं उसको कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। कायरोपोडेस्ट, कायरो यानी फीट, पोडेस्ट अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू फीट, मतलब जो पैरों के बारे में स्टडी करता है, मतलब फीट से रिलेटेड स्टडी करता है उसको कायरोपोडेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफ यानी हमने पता है राइट, लॉजी यानी स्टडी, IST पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्राफ को रीड करता है या है, या जैसे हमारी राइटिंग, ग्राफ यानी क्या होता है राइटिंग करना, या हमारी राइटिंग के बारे में स्टडी करता है उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट, यानी हैंड राइटिंग के बारे में स्टडी करने वाले ग्राफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंट यानी होता जरास यानी हमने पढ़ा था ओल्ड एज, लॉजी यानी स्टडी, IST पर्सन, a person who is related to old, a person who studies the problems of old age, problems of old age, एक ऐसा व्यक्ति जो बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों, कई तरीके की बीमारियों से रिलेटेड स्टडी करता है तो उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। तो हमारे सेशन नंबर 7 में इतने ही पे थे, अब हम इसके बाद सेशन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो भी रूट वर्ड होंगे उनको सीखेंगे और जो नए वर्ड होंगे उनको बनाना सीखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और अब आपको रूट वर्ड समझ में आने लगे होंगे, अभी स्टार्ट हुए होंगे, मतलब सेशन नंबर 1 से 7 तक आपने देख लिया है तो आपको ये समझ में आने लगा होगा कि रूट बेसिकली होते क्या है, इनकी हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है और इनसे कैसे वर्ड्स को बनाया जाता है
और जैसे मान लो आपको कोई वर्ड दे दिया, तो आप कैसे इससे रिलेटेड नया वर्ड बना सकते हैं या उसका अर्थ हमें बता सकते हैं, आप अपना उसका अर्थ खोज सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आ गया हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए ओके।